मैं अंतस्थल से आप सभी सुधिजनों का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरी प्रेम की पहली कविता इश्के इजहार मोहब्बत की दास्तां को यूं सराहा, मुझे यूं प्यार दिया कि मैं इसी प्रेम से वशीभूत होके अपने आप को रोक न सका, प्रेम के और उन पड़ावों को और उन अनुभवों को आपके साथ साझा करने से। और आपको तो पता है कि कभी न कभी किसी न किसी का दिल तो टूटा जरूर होगा, लेकिन जो टूट के बिखरे ना, उसे ही तो प्यार कहते हैं। आज के युवा प्रेमियों से मैं कहना चाहूंगा कि टूटना बिखरना मत, और जब बिखरने की नौबत आए, अवसाद की भावनाओं से भर जाने की नौबत आ जाए, तो मेरी इन पंक्तियों को याद रखना, जो मैं इन भावनाओं को आपके साथ रखना चाहता हूं कि तूने जो न चाहा मुझे, तूने जो न चाहा मुझे तो तुझे दोष क्यों दूं, तूने जो न चाहा मुझे तो तुझे दोष क्यों दूं, मेरे नसीब में ना था तू तो तुझे बेवफा क्यों कहूं, मेरे नसीब में ना था तू तो तुझे बेवफा क्यों कहूं, मैं रहा तन्हाइयों के साथ, मैं रहा तन्हाइयों के साथ खुश जिंदगी के सफर में, मगर ये एहसास जो बताने जा रहा हूं इसका अपना अलग मजा है। जो टूटे हैं, जो घायल हुए हैं, वो इसे समझेंगे। मगर नजरों की तीर से टूटा मैं, मगर नजरों की तीर से टूटा मैं तो तुझे कातिल क्यों कहूं, तो तुझे कातिल क्यों कहूं, नेत्र हो उठे अधीर, तड़पन की जो, बिछड़न की जो एक कशिश उठती है तो नेत्र अधीर हो उठते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, तो नेत्र हो उठे अधीर, दूर होने को था जब मेरा पीर, दूर होने को था जब मेरा पीर, पर मुझे क्या पता, पर मुझे क्या पता, मैं और मेरी तन्हाइयां नहीं हो सकती थी दूर, पर मुझे क्या पता, मैं और मेरी तन्हाइयां नहीं हो सकती थी दूर, और टूटा मेरा भ्रम, सबका टूटना चाहिए लेकिन बिखरना नहीं है, टूटा मेरा भ्रम जब तूने समझा ही नहीं तो तुझे बेवफा क्यों कहूं, तो तुझे बेवफा क्यों कहूं, शानू तेरे जीवन में तन्हाइयों के सिवा बचा क्या है, ऐसी अवसाद की भावना को लेके अगर आप परेशान होंगे तो जिंदगी तबाह कर लेंगे। नहीं सोचना है कि तेरे जीवन में तन्हाइयों के सिवा बचा क्या है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि तूने तो तौबा की थी मगर, तूने तो तौबा की थी मगर तो क्यों टूट सा गया है, तूने तो तौबा की थी मगर क्यों टूट सा गया है, दर्द है अपना, दर्द है अपना जो कभी कुछ न कहे, दर्द है अपना जो कभी कुछ न कहे, वह तो अपना हम सफर है, वह तो अपना हम सफर है, उसे दर्द क्यों कहूं, उसे दर्द क्यों कहूं, इन्हीं दर्द के सहारे अगर आप अपनी जिंदगी को आगे ले जाते हैं तो यकीन मानिए आप कभी भी अवसाद की भावनाओं से नहीं ग्रसित होंगे, और प्रेम की एक प्यारी अनुभूति आपके अंदर आत्मसात करती रहेगी। इस प्रेम के एहसास को आप जीवंत कर पाएंगे, क्योंकि कृष्ण ने प्रेम जिससे किया उसके साथ जिंदगी नहीं बिताया, बट प्रेम की अनुभूति और प्रेम की प्रेरणा की जब बात करते हैं तो हम कृष्ण का नाम लेते हैं। इसीलिए पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि दर्द है अपना जो कभी कुछ न कहे, वह तो अपना हम सफर है तो उसे दर्द क्यों कहूं, मेरे नसीब में ना था तू, मेरे नसीब में ना था तू, ये मुस्कुरा के कहिए ना, तो तुझे बेवफा क्यों कहूं, तो तुझे बेवफा क्यों कहूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी एक पंक्तियां आपको पसंद आई होंगी, और इन्हीं पंक्तियों के साथ आपके प्यार, आपके दुलार की अभिलाषा में इंतजार करूंगा, और अगले हफ्ते प्रेम की कुछ और नई अनुभूति के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा।